खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे गिरफ्तार, ब्रिटिश पुलिस ने इक्वाडोर के दूतावास से पकड़ा। साल 2012 से इक्वाडोर के दूतावास में शरण लिए हुए थे असांजे, उन पर संवेदनशील जानकारियां लीक करने और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। ईडी ने अलगाववादी नेता शबीर शाह और उसकी पत्नी और बेटियों को नोटिस भेजा, टेरर फंडिंग में जेल में बंद है शबीर शाह। संघ नेता की हत्या के बाद जम्मू के किश्तवाड़ में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू लगा हुआ है। यूपी के सोनभद्र में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने महिला तांत्रिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए जवान दंतेश्वर को गोरखपुर में दी गई अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर किया, एसटीएफ का एक जवान भी घायल। वाराणसी में थाने के बाहर धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस ने छात्रों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, 3 छात्र घायल। यूपी के मुरादाबाद में नदी में नहाने गए एक बच्चे की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2 गुटों में झड़प, कई वाहन बर्बाद हुए, 7 साल की बच्ची से रेप के बाद हुआ था विवाद। वाराणसी में पारिवारिक विवाद सुलझाने गए शख्स ने जीजा की गोली मारकर हत्या की, आरोपी फरार। महाराष्ट्र में ट्रैक्टर पलटने से हादसे में 3 लोगों की मौत, 9 घायल, गढ़चिरौली में हुआ हादसा। गया में मतदान केंद्र के पास एक पुलिया के नीचे बैग मिलने से हड़कंप मचा, बाद में बैग में बम की जगह आलू निकले। यूपी के बिजनौर में एक दूल्हा वोट डालने पहुंचा, देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी। वृंदावन में बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी बोली, लोग बंदरों को अब समोसा और फ्रूटी पीने को देते हैं, इससे उनकी आदत खराब होती है, सिर्फ फल दें। बंद हो सकती है जेट एयरवेज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। जेट के 15 से कम विमान सेवा में है, जबकि इंटरनेशनल सेवा के लिए 20 विमान उड़ने जरूरी। सुप्रीम कोर्ट में एसएससी एग्जाम में गड़बड़ी मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल तक टली। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर 20 लाख का जुर्माना लगाया, भविष्य तेर भूत फिल्म की रिलीज में बाधा डालने का आरोप। राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप है। यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चुने गए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का एक और मौका, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर एबीपी न्यूज ने किया शहीदों को नमन, पंजाब में शहीदों की याद में एबीपी न्यूज ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। झांसी में बेमौसम बारिश से किसानों का नुकसान, तेज बारिश के साथ ओले गिरने से कई इलाकों में गेहूं की फसल खराब हुई। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला, चेन्नई टॉस जीतकर कर रहा है गेंदबाजी, चेन्नई पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। कल खेले गए मुकाबले में पोलार्ड की तूफानी पारी से मुंबई ने पंजाब को 3 विकेट से हरा दिया, पोलार्ड ने 31 गेंदों पर 83 रन बनाए थे। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाने पर सहमति, पीएम थेरेसा ने किया था आग्रह। पहले चरण में 91 सीटों पर वोटिंग, 5 बजे तक यूपी में 60%, महाराष्ट्र में 56% मतदान हुआ। आज पहले चरण के चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों ने वोट डाले, नागपुर में गडकरी, गाजियाबाद में वीके सिंह और नोएडा में महेश शर्मा ने मतदान किया। कई राज्यों के सीएम भी वोट डालने पहुंचे, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तेलंगाना के सीएम केसी राव ने भी वोट डाला। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु रामदेव वोट डालने पहुंचे। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के पौड़ी में मतदान किया।
वोटिंग के दौरान यूपी के कैराना में हंगामा कर रही भीड़ को हवाई फायरिंग कर भगाया गया। बिहार के नवादा में भी फायरिंग हुई, एक महिला घायल। वोटिंग के दौरान आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हिंसा हुई, कहीं टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो कहीं पुलिस वालों से भीड़ की हुई झड़प। नोएडा के सेक्टर 19 में वोटिंग के दौरान बीएसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान ने कहा, मुजफ्फरनगर में बुरके की आड़ में डाले गए फर्जी वोट। विपक्ष बोला, बीजेपी को बुरके से इतनी चिढ़ क्यों है। नोएडा के सेक्टर 15 में पुलिस वालों पर नमो ब्रांड के फूड पैकेट्स बांटने का आरोप, विवाद के बाद पुलिस अधिकारियों ने सफाई दी। यूपी के अमरोहा में अखिलेश यादव की रैली में जमकर हंगामा हुआ, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, हंगामे में एक पत्रकार भी घायल। अखिलेश यादव ने कहा, योगी ने हमारे सरकारी बंगले में टोटी ढूंढवाई, हमारी सरकार आएगी तो सीएम बंगले में बाबा की चिलम तलाशेंगे। कांग्रेस बोली, राहुल गांधी पर लेजर लाइट को लेकर सुरक्षा में सेंध वाली कोई चिट्ठी नहीं लिखी, मीडिया में चल रही खबरों को गलत बताया। सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय का जवाब, राहुल पर अमेठी में लेजर लाइट नहीं बल्कि फोटोग्राफर के मोबाइल की लाइट पड़ी थी। सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन किया, राहुल प्रियंका मौजूद रहे, नामांकन से पहले हवन भी किया, रोड शो में दिखी भारी भीड़। नामांकन के बाद मोदी पर सोनिया ने कहा, मत भूलिए 2004 में वाजपेयी जी अजय थे लेकिन वो हार गए थे और हम जीते थे। पीएम मोदी ने बिहार और असम में आज दो रैलियां की, मोदी बोले, कांग्रेस का नया फर्जीवाड़ा है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। भागलपुर की रैली में मोदी ने कहा, हमारी सरकार फिर आएगी तब टुकड़े टुकड़े गैंग भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, चीन समंदर में रेल बिछा रहा है, अमेरिका मंगल पर जीवन खोज रहा है और यहाँ आप चौकीदार बना रहे हैं, वो भी चोर। लालू के बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ जहानाबाद में रोड शो किया, चंद्र प्रकाश का समर्थन कर रहे हैं तेज प्रताप। स्मृति ईरानी ने दूसरी बार अमेठी से चुनावी पर्चा भरा, नामांकन से पहले पति के साथ पूजा की, रोड शो में भी दिखे पति जुबिन ईरानी। दार्जिलिंग की रैली में अमित शाह ने कहा, पूरे देश में लागू करेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एक एक घुसपैठियों को भगाएंगे। यूपी के बाराबंकी में कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने कहा, सांड और भैंस मैदान में नहीं बल्कि अब बीजेपी के वोटर चर रहे हैं घास। यूपी के रायबरेली में बीजेपी के पूर्व नेता रवि दत्त ने कांग्रेस ज्वाइन की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा, देश भर में मोदी के कार्यक्रमों और दौरों पर हुए खर्चे का हिसाब हम नहीं रखते। तस्वीरें बारिश के दौरान की हैं, इसलिए थोड़ी धुंधली हैं। देखिए कैसे ये गाड़ी रोड पर सामान्य तरीके से आगे जा रही है, लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों को पता नहीं था कि आगे एक हादसा उनका इंतजार कर रहा है। फिर देखिए जैसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ी, बिजली का ये खंभा कार पर गिर गया। इस कार में सवार दो लोग घायल हुए हैं। हादसे की तस्वीरें वॉशिंगटन की हैं और अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो सबक देता है कि हादसा कहीं भी हो सकता है। तस्वीरें चीन की हैं, जहां पहले से टूटे पुल पर मस्ती के लिए बहुत सारे पर्यटक एक साथ चढ़ गए और झूला झूलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन पहले से कमजोर पुल इतना वजन संभाल नहीं पाया और हो गया हादसा। हादसे के बाद कई लोग नीचे बह रही नहर में गिर गए, हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। एक महिला के हाथ में दूध का गिलास है और वो तोतों को आवाज लगाती है और फिर देखिए क्या हुआ। वीडियो ऐसा है कि जितना देखेंगे हैरान हो जाएंगे। पहले तो तोते महिला के सिर पर ही बैठ गए, गिलास से दूध बादाम खाने लगे। धीरे धीरे कर तोतों की पूरी फौज आ गई
कोई दीवार पर तो कोई फर्श पर। अब गिलास से तो गुजारा होना नहीं था, इसलिए इस बड़े से बर्तन में खाने का सामान दिया गया। देखिए कैसे तोतों का पूरा परिवार खाने में जुटा है। यह वायरल वीडियो किसी बर्ड सेंचुरी का लग रहा है। लोगों को ये रंग बिरंगे तोते काफी पसंद आ रहे हैं। है ना मजेदार वीडियो। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं। देखिए कैसे यह शख्स पहले बिना जांच के गेट से बाहर निकलता है, तो सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया और सामान अलग स्कैनर मशीन में डालने के लिए कहा, लेकिन ये कुछ कंफ्यूज हो गया और सामान के साथ खुद भी स्कैनर में बैठ गया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। करोड़ों की काली चमचमाती कार खड़ी है और ये महिला सुरक्षाकर्मी कार का दरवाजा खोलने आगे बढ़ी, लेकिन हो गई गड़बड़। इसकी काफी कोशिश के बावजूद भी गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला। बाद में ड्राइवर मदद करता है और गाड़ी का गेट खोलता है। अब देखिए गाड़ी में कौन सवार है। जी हाँ, ये है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे। ऐसा कम ही होता है कि करोड़ों की गाड़ी में किसी देश की प्रधानमंत्री ऐसे फंस जाएं। इसीलिए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग इस तस्वीर को ब्रेक्जिट से जोड़कर लिख रहे हैं कि गाड़ी की तरह थेरेसा मे ब्रेक्जिट में ही फंस गयी।